तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता होगा, अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी गाइडलाइंस लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा यूट्यूब, और आए दिन कुछ ना कुछ रूल्स चेंज करते रह रहा है यूट्यूब। तो यहाँ पे अभी जो है, जो यूट्यूब का मशीन था, यानी कि जो चेक करने के लिए क्या गलत है क्या सही है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। और ऐसे में जो है, जितने भी पुराने वीडियो हैं, अगर किसी का हम कंटेंट यूज किए हैं, किसी का फेस यूज किए हैं, किसी का नाम लिए हैं, तो वो तुरंत स्ट्राइक दे रहा है अभी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मान लीजिए कि जैसे मेरा स्ट्राइक आ गया है, और अगर लगातार दो स्ट्राइक और आ गया 90 दिन में, तो ऐसे में मेरा चैनल टर्मिनेट हो सकता है। तो अब चैनल मान लीजिए टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेट हो जाता है, या फिर हैकिंग का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो हैक हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है हैकिंग में, क्योंकि चैनल के पर आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड तो होता नहीं, और कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ऐसे में जब आप यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमारा चैनल टर्मिनेट कर दिया है, उसको वापस चाहिए, या फिर हैकिंग हुआ है उसको वापस चाहिए, ऐसे में आप यूट्यूब से जब कॉन्टैक्ट करेंगे, तो आप यूट्यूब को बोलेंगे कि मेरा चैनल हैक हो गया है, या फिर टर्मिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो यूट्यूब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, आपका चैनल का नाम तो पूछेगा ही, साथ में चैनल का यूआरएल पूछेगा आपसे। तो चैनल का यूआरएल आपको जो है कस्टम यूआरएल आपसे नहीं, आपका जो ब्राउजिंग किया था वो आपका लिंक मांगेगा, वो लिंक आपको कॉपी करके रख लेना है अभी से। उसके बाद ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी तो आपके पास होना चाहिए, जो ईमेल आईडी से आप यूट्यूब चलाते हैं। थर्ड यहाँ पे आपसे, यहाँ पे फिर मांगेगा यूजर आईडी, तो यूजर आईडी आपको जो है आपको याद रखें यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद फिर पूछेगा आपसे चैनल आईडी, तो चैनल आईडी जैसे एक ईमेल आईडी से 3-4-5 चैनल बनाते हैं कितने लोग, तो एक चैनल से पकड़ना काफी मुश्किल है, तो वहाँ पर चैनल आईडी भी होता है, तो चैनल आईडी भी आपसे मांगेगा। फिर आपसे ज्वाइनिंग डेट मांगेगा कि आप ज्वाइनिंग कब किए थे यूट्यूब में, तो ज्वाइनिंग डेट भी कौन सा है वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, बस इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चलिए लेकर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहीं बताते हैं चैनल आईडी कहाँ मिलेगा, यूजर आईडी कहाँ मिलेगा, और यूआरएल कौन सा आपको चाहिए, और फिर ज्वाइनिंग डेट कहाँ मिलने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से टेक्निकल से जुड़ी जानकारी हम आप तक लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं अभी लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हम लैपटॉप के स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि यूजर आईडी और आपका चैनल आईडी कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब जब ओपन कर लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ राइट साइड में देखिए आपका फोटो होगा या फिर आपका लोगो होता है। अब ये ओपन करने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन होता है योर चैनल। योर चैनल पे आपको जैसे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी एक आपका अलग यहाँ पे एक डेस्क खुलता है, और इस तरह से आपको खुल जाता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे, आपको दबा के रखना है, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में आप तो करेंगे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट के बारे में आ जाएगा, योर यूट्यूब चैनल के बारे में आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको देखिए अकाउंट जो, यानी कि जैसे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो ईमेल आईडी आपका यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको चैनल आईडी चाहिए, फिर आपका यूजर आईडी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वीव एडवांस सेटिंग होता है, वीव एडवांस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पे मिल जाता है आपका यूजर आईडी और चैनल आईडी। तो यूजर आईडी और चैनल आईडी आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के लिए कॉपी पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो है अपना आपका ईमेल आईडी मिल जाता है। तो तीन यहाँ पे चीज ऐसे जो है आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे मिल जाता है, यूजर आईडी, चैनल आईडी और ईमेल आईडी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे, अब यहाँ पे बात करेंगे आपका चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा। चैनल के लिंक के लिए यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करना है आपके फोटो पे, और फिर यहाँ पे योर चैनल पे जाना है। तो योर चैनल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे ये आपका यूट्यूब का लिंक है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद कहीं पे आप नोट में रख लीजिए, और बाद में फिर काम आएगा। तो ये ऊपर में जो देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये आपको कॉपी करना है, ये आपका मेन चैनल का लिंक है। देन आगे हम बात करेंगे, जब यूट्यूब में जब ज्वाइन किए थे तो वो डेट आपको चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको अबाउट में आना है आपके चैनल में, और यहाँ पे देखिए ज्वाइन जो है ज्वाइन डेट रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 28 जून 2013 में हम यहाँ पे ज्वाइन किए थे यूट्यूब में, तो ये जो है डेट मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, अगर चैनल आपका मोनेटाइज हो गया तो आपको मिलेगा, और अगर चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो आपको नहीं मिलेगा। तो फिर से यहाँ पे आपको राइट साइड पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जब आप ओपन कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन में आना है। मोनेटाइजेशन में ओपन करने के बाद आपको जैसे डेस्क यहाँ पे चैनल डेस्क का खुल जाता है, चैनल मोनेटाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे सारे आपको आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम ऑप्शन, तो इसको आपको यहाँ पे नीचे में देखिएगा एडसेंस अकाउंट होगा, इसको भी आप रख लीजिए। एडसेंस अगर कोई प्रॉब्लम होता है देन आगे चल के कभी, तो आप यहाँ पे ये जो है पब्लिश आईडी आप दिखा सकते हैं, और साथ में यहाँ पे एसोसिएट ऑन December 7 यहाँ पे 2016 में हम जो है ज्वाइन किए थे, मतलब कि 2016 में मेरा जो है एडसेंस बन गया था। तो ये आपको जो है एडसेंस आईडी और डेट ये भी रख लीजिए, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तब, और नहीं हुआ तो आपको नहीं मिलेगा अभी।
तो ये था इम्पोर्टेंट सी जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह से यूट्यूब और टेक्निकल से जुड़ी जानकारी हम आप तक लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।